फ्रेंड्स, अनलाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया था। मैंने बोला था हर दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन एक या दो दिन आपको मिलेंगे जो पूरे हफ्ते के गेंस आपको देके जाएंगे। क्या हुआ 25th को? एग्जैक्टली वो क्रिटिकल टर्न डेट था। यहाँ पे था अपना सपोर्ट 47682 फाइव रिमेंबर, 782 आई रिमेंबर या हैड गिवन, वहीं पे ओपन होके वो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस था। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पे ऊपर क्लोज कर दिया और नेक्स्ट डे वहाँ पे आके ओपन लो ऑलमोस्ट करके पूरा दिन वन स्ट्रेट मूव अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप, ऐसा दिन हमें ट्रेड कराया जाइए। ओके, उस दिन का रेंज भी आप देख सकते हैं तकरीबन 1000 पॉइंट से ऊपर। ठीक है, तो इस इमेजिन करें एक कैंडल है 1000, क्या आपने 200 पॉइंट कैप्चर करना है या 300 पॉइंट कैप्चर करना है? हो गया आपका वीक का प्रॉफिट, है ना? और ऐसे दिन में अपने बाइंग साइड ऑप्शन करें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो इंतज़ार करें, इंतज़ार करें, इंतज़ार करें, मार्केट को अपने हाथ में आने दें, दो एक दो दिन छोड़ दें और देखें कि क्या होता है। तो चलो, अब जो गया सो गया, आज अगले वीक की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो अगर ये 48050 ना तोड़े, इसके नीचे क्लोज मत करें, तो ये आसानी से 49200 जाएगा। वहाँ तक जाए तो शायद बुल लोग पागल होके उसको 50,000 पे पहुँचा देंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर अपसाइड ब्रेक मिला तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, निफ्टी में डाउनसाइड ब्रेक मिला तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो ये दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं कि वीक में कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक देर विल बी नथिंग फॉर अस दिस वीक, सो वी शुड बी केयरफुल एंड वी विल लुक फॉर स्टॉक्स इंस्टेड। पर बैंक निफ्टी थोड़ा अपने स्क्रीन पे रखिएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव मूव देने लगा, यहाँ पे आके फॉल्स कैंडल बनाए हैं और उसके ऊपर निकल जाए तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। होपफुल ऑफ इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी विल सी इन लाइव मार्केट। सो थैंक यू, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट वीक एंड यू हैड अ ग्रेट वीकेंड। अगर आपने अपना वीकेंड एंजॉय किया तो ये वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।